हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम जानेंगे कि चेबीशेव थ्योरम एंड चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या चीज़ है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स के डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन सी एस ए यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँचेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियो यहां पर मौजूद है, जिन्हें विद ईज वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड या तमाम मेरे ब्लॉग फाद हुसैन सी एस blogspot.com पे मौजूद है, जहां से तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज के हवाले से आपको बरवक जानकारी मिले और इसी तरह की नत नई चीज़ें आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चेबीशेव थ्योरम एक्चुअली क्या है और ये किस तरह की टेक्निक्स हमें स्टैटिस्टिकल प्रोवाइड करता है, इसे हम उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन हो, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम जानते हैं कि ये बैल शेप होता है और इन सिमेट्रिकल शेप होता है। सिमेट्रिकल शेप का मतलब ये है कि जब हम इसे सेंटर से डिवाइड करेंगे तो 50% डेटा जो है राइट साइड पर और 50% लेफ्ट साइड पर जाता है। फिर उसके बाद हमने एम्पेरिकल रूल में जाना था कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन, इसमें 68% डेटा लाई करता है, सेकंड में 95% और थर्ड के अंदर हमारे पास 99.7% डेटा लाई कर रहा होता है। लेकिन चेबीशेव थ्योरम हमें ये कहता है कि हमारे पास किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रैंडमली एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हुआ है कस्टमाइज मैनर में, तो चेबीशेव का कहना यह था कि इस थ्योरम के मुताबिक कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें मिनिमम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आपका 75% डेटा लाई करता है, जबकि 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आपका 88% डेटा लाई करेगा। ये कॉन्सेप्शनल चीज़ें क्या थी, किस तरह से ड्राइव हुई, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो चेबीशेव थ्योरम इज यूज टू फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड विद इन अ सर्टेन नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन, यानी जो सर्टेन नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन है मीन से, उसको आप कंसिडर करते हुए अपने प्रोपोर्शन फाइंड करना चाहते हैं, विच मीन आप प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं। वेयर एज द चेबीशेव इंटरवल रेफर टू द इंटरवल यू वांट टू फाइंड व्हेन यूजिंग द थ्योरम, यानी आप वहां पर इंटरवल यूज करेंगे जब आप इस थ्योरम को यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपका इंटरवल जो है माइट बी -2 to +2, विच मीन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है आपने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन रखी हुई है। तो हम जानते हैं कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो ये बोथ साइड से देखा जाता है मीन से, यानी पॉजिटिव हम राइट साइड पे जाते हैं और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जा रहे होते हैं। सो फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 68% ऑफ द रिजल्ट विल फॉल विद इन 1% और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको +1 और -1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है फ्रॉम द मीन। अबाउट 95% फॉल बिटवीन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड 99.7 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम लाई विद इन 3rd स्टैंडर्ड डिविएशन। सो द थ्योरम अलाउ यू टू यूज दिस आइडिया फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये जो थ्योरम है वो आपको बता रहा है चेबीशेव कि आप किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पे इस आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन इफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इजंट नॉर्मल। दिस थ्योरम स्टेट दैट फॉर अ पॉपुलेशन और द सैंपल, यानी आपके पास पॉपुलेशन हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की किसी तरह की, जबकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो सैंपल हो या पॉपुलेशन हो, उसको उसके प्रोपोर्शन ऑब्जर्व करने के लिए आप इस वैल्यू को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को, जो कि इस तरह से लिखा गया है 1 - 1/k स्क्वायर, ठीक है, इट्स नॉट अ 2, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो और इसमें वैल्यू बताई जा रही है कि नो लेस देन दिस, तो नो लेस देन का मतलब ये है कि हम के की जो वैल्यूज रखेंगे उस मुताबिक हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रोपोर्शन वैल्यूज का पता चलेगा, विच मीन आप 1 स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहते हैं, 2 निकालना चाहते हैं, 3 निकालना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको आइडिया होंगी। तो होपफुली आपको चेबीशेव थ्योरम का आइडिया हो गया होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पे जो कि नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे लगाई जा सकती है, जिसके मुताबिक आपका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा 75% डेटा को मिनिमम लाइक करेगा, जबकि 3rd स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आपके पास 88% ऑफ डेटा आ रहा होगा। अब इस किसी भी तरह के पॉपुलेशन या सैंपल पे जब आप प्रोपोर्शन मालूम करना चाह रहे होते हैं तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, विच मीन 1 - 1/k². अब इस टेक्निक को समझते हैं। इस टेक्निक को समझने के लिए अगर आप इस फॉर्मूले को दोबारा देखें तो 1 - 1/k
के स्क्वायर। अगर मैं इस के स्क्वायर की जगह वन वैल्यू लिखूं तो वन माइनस वन बराबर हो जाएगा जीरो के। तो यही वजह है कि इस मीन की वैल्यू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वन स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि चेबीशेफ के मुताबिक टू स्टैंडर्ड डिविएशन से ये वैल्यूज शुरू हो रही है। यही वजह है कि के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, और टू के अंदर 75 डेटा लाई करता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अब हम यहाँ पर के की वैल्यू टू रख के देते हैं। तो वन डिवाइड बाई टू का स्क्वायर मैं यहाँ पर फोर लिख सकता हूँ। फोर के बेस पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा फोर माइनस वन, तो इसका मतलब हो गया थ्री डिवाइड बाई फोर। और जब आप इसे डेसिमल प्लेस के साथ लिखेंगे तो दैट विल बी द 75% ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड फोर्थ थ्री डिवाइड बाय फोर का मतलब ये है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में 75% डेटा आपके इस रीजन पे लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द चेबीशेफ थ्योरम इक्वेशंस। अगर आप के की वैल्यू थ्री लिखें तो इट्स गोइंग टू वन अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। हम एलसीएम लेंगे नाइन के साथ, तो नाइन माइनस वन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 डिवाइड बाय 9, और इस बेस पर ये 88 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आएगी, जिसको मैं 88% यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेस पर 88 समथिंग वैल्यूज इस रीजन पे लाई कर रही है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी चेबीशेफ की, कि चेबीशेफ किसी तरह की भी डिस्ट्रीब्यूशन में टू स्टैंडर्ड डिविएशन और थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन के बिहाफ पर वैल्यूज बता सकता है। एंड नॉट ओनली टू स्टैंडर्ड थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन, आप डिफरेंट वैल्यूज को इन इक्वालिटीज के दरमियान यूज करते हुए 99% तक जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली कॉन्सेप्शनल चीज है, हमने चेबीशेफ थ्योरम को जिक्र कर लिया, समझ लिया। अब बात आती है चेबीशेफ इनइक्वालिटी की। तो चेबीशेफ इन इक्वालिटीज़ क्या चीज़ हैं जहाँ पर इस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, ठीक है, इस इक्वेशंस को आप यूज़ करते हुए चेबीशेफ के किसी भी नंबर पैटर्न्स के दरमियान यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग डेफिनेशन पे देखा था कि यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड विद इन अ सर्टेन नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन किसी भी तरह के यूनिट्स के इस्तेमाल करते हुए आप प्रोपोर्शन यानी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको चेबीशेफ इन इक्वालिटीज़ बता रही होती हैं। ठीक है, तो उन इक्वालिटीज़ को समझने से पहले हम मजीद इस स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टेंस को भी देख लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की जेड वैल्यूज़ हम मालूम करते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से चेबीशेफ के इस म्यू माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन एंड म्यू माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए से भी आप प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, यानी अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का पता हो। तो फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसमें मीन वैल्यू हमारे पास 55 है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमें गिवन है 1.3। तो इस बेस पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ होगी कि कितने टू स्टैंडर्ड डिविएशन पर रहते हुए हम कितने वैल्यूज़ के दरमियान हमारा 75% डेटा आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो हम परसेंटेज वैल्यूज़ बता सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड डिविएशन पर रहते हुए कितनी वैल्यूज़ के दरमियान ये लाया कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज़ करूँ, टू स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो म्यू की वैल्यू मैं प्लस और माइनस दोनों की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा 55 प्लस टू स्टैंडर्ड डिविएशन 1.3 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो सॉरी 1.3, तो इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ 55 प्लस, ठीक है, टू मल्टीप्लाई के साथ वैल्यूज़ जो कि 2.6 आ रही है, तो हम यहाँ पर 2.6 लिखेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 57.6। इसी तरह अगर मैं माइनस के साथ यूज़ करूँ तो डायरेक्टली मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ माइनस साइन के साथ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 55 माइनस 2.6, तो ये आ जाएगा 52.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टू स्टैंडर्ड डिविएशन पर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मैं बता सकता हूँ कि टू स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर हमारे पास 75% जो डेटा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो 52.6 से लेकर 57.6% ऑफ द डेटा के दरमियान लाए करता है। यानी मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन पर टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपना बता पा रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये कहता हूँ कि हमारे पास म्यू है 55 जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो गिवन है वो 8 है, तो अगर मैं इसमें टू स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ साइड मालूम करूं चेबीशेफ पे रहते हुए तो ये हो जाएगा 55 प्लस 2 8, तो ये 16 डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूं, तो ये बराबर आ जाएगा 71 के।
ठीक है। इसी तरह 55 माइनस 28 हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 16 के साथ ये 39 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% ऑफ योर डेटा लाए विद इन 39 to 71% ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आप चेबीशेव थ्योरम के अंदर देख रहे हैं कि अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे पता हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में टू स्टैंडर्ड डिविएशन पर कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लाए करती है और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन पर भी मैं वैल्यू पुट कर बता सकता हूँ। अब बात करते हैं इन इक्वालिटीज़ की, यानी चेबीशेव इन इक्वालिटीज़ में। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर 68% डेटा था, सेकंड में 95 और थर्ड के अंदर 97 है। जबकि हम देखते हैं यहाँ पर कि मीन से फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का डेटा हमारे पास जीरो होता है, कोई भी नहीं होता, जबकि सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में 75 और थर्ड के अंदर 88.89 वैल्यूज़ होती है। तो अगर मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करूँ जिसमें हमें एक प्रॉबिबिलिटी फाइंड करनी है किसी रैंडम वेरिएबल की बिटवीन रहते हुए 5 और 15 के दरमियान, ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ को हम यूज़ ही उस वक्त करते हैं जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता ना हो कि जिस रैंडम वेरिएबल की मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ 5 और 15 के दरमियान रहते हुए वो किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों हमें नहीं पता है। तो इसी सिनेरियो पर हम चेबीशेव इनइक्वालिटीज़ को प्रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं। जबकि प्रॉब्लम में हमें मीन की वैल्यू कोई गिवन है, तो मीन फॉर एग्जांपल 10 है, वेरियंस हमारे पास 4 मौजूद है, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट के साथ 2 हो जाएगा। तो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मौजूद पता है और हमें मालूम करना है कि रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ 5 and 15। तो अकॉर्डिंग टू द चेबीशेव इनइक्वालिटीज इक्वेशन जो अभी हम प्रीवियसली स्लाइड से देखते हुए आ रहे हैं, तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के स्टैंडर्ड डिविएशन लेस देन रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन म्यू प्लस के स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या मतलब हुआ, अगर आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रेफर करें, मैं मार्कर साइन चेंज कर लेता हूँ, तो आप बड़े आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर इस चीज़ को लिखते थे तो उसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिखते थे म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, जो इस तरह से यहाँ पर मेंशन है। लेकिन यहाँ पर हम के इसलिए लिखते हैं क्योंकि के वो वैल्यूज़ है जो हमारे इस इक्वेशंस के जरिए से आ रही होती है कि आप 1/k में कौन सी वैल्यू लिखकर इसे फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि किस स्टैंडर्ड डिविएशन पर आप अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो यही वजह यहाँ पर के स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ लिखा गया है। तो ये इक्वेशन कंप्लीट कुछ इस तरह से होती है, उसके बाद हम लिखते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 - 1/k स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले k को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली k की क्या वैल्यू होगी। तो k को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि k बराबर होता है आपके प्रॉब्लम की लिमिट वैल्यू, जो भी लिमिट वैल्यूज आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट देखें तो जो सर्टेन रेंज है आपके पास वो 5 से 15 के दरमियान है। तो हम हमेशा हाई पावर रेंज लेते हैं, यानी अपर रेंज लेते हैं, ताकि जो हमारे पास k की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो मैं इस बेस पर यहाँ पर लिमिट की वैल्यू 15 लूँगा, माइनस करूँगा मीन 10 से और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 से। तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ गई 5/2। तो अब इस 5/2 k की वैल्यू को मैं अपने इस इक्वेशन में 1 - 1k स्क्वायर पर पुट करूंगा, तो इस तरह से मुझे इस सर्टेन रेंज पर रहते हुए उस प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज वैल्यूज पता चल जाएगी, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है कि वो कंटिन्यूस या डिस्क्रीट है। लिहाजा आई एम गोइंग टू फिट द वैल्यू 1 - 1/5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1 25/4, 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 - 4/25। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 21/25, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.84,
विच मीन 84% ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि जो भी रैंडम वेरिएबल एक्स है उस एक्स में उस सर्टेन रेंज के अंदर 5 to 15 के दरमियान रहते हुए बाय यूजिंग द चेबीशेव इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम सॉल्यूशन 84% चांस है उस रैंडम वेरिएबल के अकर होने का। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो चेबीशेव का क्या कहना है इस मामले में कि टू स्टैंडर्ड डिविएशन और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितना डेटा लाई करता है, इनइक्वालिटीज़ में हम किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं जिसमें हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का ना पता हो कि वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। और इसी तरह से फिर हमने 1-1 upon k² के स्टैंडर्ड को समझा। फॉर फर्दर रीडिंग आप विकीपीडिया पर आके चेबीशेव इनइक्वालिटीज़ को मज़ीद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो जो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ओपन किया हुआ है। और इस पे आने के बाद आप फर्दर रीड करेंगे कि किस परसेंट पे कितना परसेंट लाई करता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने टेबल बनाकर दी हुई है उसी फार्मूले के लिहाज से, जो फार्मूला अभी मैं बता चुका हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो k की वैल्यूज़ हैं, तो 1 पर k की वैल्यूज 100% इस पे तो 0% है, मैक्सिमम बियॉन्ड k स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। जबकि आप k की वैल्यू देखें, जैसे जैसे बढ़ रही है परसेंटेज वैल्यू बढ़ रही है, 2 पे 75 था, 3 पर 88 था, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू आ रही है हम 90-100 के करीब, और 10 पर हमारे पास 99% डेटा आ रहा है। और जबकि सेकंड साइड पर जो मैक्सिमम परसेंट बियॉन्ड k स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन है वो 1 के बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से फर्दर रीडिंग में आप इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं रियल लाइफ में कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको भरवा जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं।